किसान चैनल के चौपाल चर्चा कार्यक्रम में आपका स्वागत है राजस्थान में जिला और तहसील बांसूर के गांव नींबू चाना की चौपाल चर्चा पर आप सभी का स्वागत है नींबू चाना जो कि 14 मई 1925 को किसान आंदोलन का गवाह रहा जागरूक किसानों के नींबू चाना गाँव की वास्तविक स्थिति के बारे में जानकारी लेते हैं राष्ट्रीय राजधानी दिल्ली से 203.7 किलोमीटर की दूरी पर स्थित राजस्थान का नीमू चाणा गाँव भारत के अलवर जिले राजस्थान में स्थित नीमू चाणा ग्राम पंचायत जिला मुख्यालय अलवर से पश्चिम की ओर 32 किलोमीटर की दूरी पर नीमू चाणा स्थित है बांसोर तहसील अलवर का नीमू चाणा एक ऐतिहासिक गाँव है नीमू गांव राजस्थान की राजधानी जयपुर से 88.5 किलोमीटर की दूरी पर स्थित है नीमूचाणा के ग्रामीण हिंदी भाषा का इस्तेमाल करते हैं। बांसूर से नीमूचाणा गांव की दूरी 15 किलोमीटर है किसान से सीधे जाकर के अधिकारी महोदय बात करते हैं और समझाते हैं। कि किस तरह से खेती करनी चाहिए किस तरह से पशुपालन करना चाहिए पूरी जानकारी देते हुए भी जानकारी लेना और ज्ञान को आदान प्रदान करना कोई कोई समय और कोई इसका समय सीमा उसका कोई कोई वो नहीं है कि ज्ञान को जितना बढ़ाया जाए उतना ही बढ़िया होता है आज की ये जो चर्चा है ये बहुत ही महत्वपूर्ण है जिस तरह से सरकार की तरफ से बहुत अच्छे प्रयास किए जा रहे हैं कि हमारे जो किसान भाई लोग हैं उनको किस तरह से उनकी रोजी रोटी के उसमें बढ़ावा दिया जाए कि अच्छे से वो अपने जीवन यापन को व्यतीत कर सकें और हमारे देश के विकास में योगदान कर सकें थोड़ी लागत से ज़्यादा दूध कैसे उत्पादन करें देखिए ये जो सवाल है कि कम से कम हम किस तरह से लागत में ज़्यादा से ज़्यादा उत्पादन करें इसके लिए हमें दो तीन चीज़ों को जानने की आवश्यकता है कि जो भी हम पशु रख रहे हैं किस तरह से उनका उत्पादन किन बातों पर निर्भर करता है अगर किसी भी पशु की नस्ल में क्षमता आठ से दस लीटर दूध देने की है तो उससे ज़्यादा आप उससे उत्पादन नहीं ले सकते तो यहाँ पर आप सभी लोगों से मेरा यही निवेदन है सलाह है आप लोगों के लिए कि आप जिस समय पशु पालते हैं उस समय एक अच्छी नस्ल के पशु का चुनाव करना बहुत ही आवश्यक है काकड़ा भी दे रहे हैं मेथी भी दे रहे हैं दुनिया भर का चाट दे रहे हैं दो सौ का चाट खिलाते हैं डेढ़ सौ का दूध निकालते हैं कुछ जो आप बाट तैयार करते हैं उससे पशु को तीन तरह के पोषक तत्व मिलते हैं एक कार्बोहाइड्रेट है प्रोटीन है और वसा तो उसमें जो भी हम अनाज मिलाते हैं उस समय हमें ये ध्यान देने की आवश्यकता होती है कि कहीं हम ऐसे अनाज तो नहीं मिला रहे हैं कि जिससे लगभग एक तरह के ही सारे पोषक तत्व तो मिल रहे हैं अगर हम गेहूं, जौ और बाजरे की बात करें तो इससे लगभग कार्बोहाइड्रेट ही मिलता है अन्य पोषक तत्व तो इससे नहीं मिलते तो इसलिए आप इसमें से कोई भी दो अनाज ले सकते हैं गेहूँ ले सकते हैं जौ ले सकते हैं या बाजरा ले सकते हैं उसके बाद प्रोटीन का सोर्स क्या होता है जितने भी दलहन वाली फसलें होती हैं उसका अनाज हम मिक्स कर सकते हैं या अगर वो उपलब्ध नहीं है तो उसका जो छिलका होता है उसको भी हम मिक्स कर सकते हैं वसा के लिए हमें क्या करना चाहिए होता है अपने क्षेत्र में सरसों काफ़ी अच्छी मात्रा में होती है तो हम जो भी सरसों की खल होती है उसको हम उसमें मिक्स कर सकते हैं तो इस तरह से जब हम अलग अलग तरह के अनाज पशु के आहार को बनाने में तैयार तैयार करने में प्रयोग करते हैं तो जो भी आवश्यक पोषक तत्व होते हैं वो उसे आसानी से मिल जाते हैं कृपया उस क्वेश्चन के ऊपर ध्यान देकर हमारे को अवगत कराए आज के समय में जो ये समस्या आ रही है पोषक तत्वों की कमी की वजह से पशुओं में वो इसलिए आ रही है क्योंकि हम पशुओं को आजकल अपने घर में बांध के उनको खिलाते हैं हरा चारा क्योंकि पुराने समय पर क्या होता था पशु जंगलों में चरने के लिए जाया करता था तो विभिन्न प्रकार के पेड़ पौधों की पत्तियां खाता था घास खाता था तो इस तरह से पशु को अच्छा उत्पादन करने के लिए स्वास्थ्य रहने के लिए उसको चौदह से पंद्रह प्रकार के पोषक तत्वों की आवश्यकता होती है तो वो उसे सभी मिल जाया करते थे लेकिन आज के समय में क्या है किसान भाई लोग अपने घर पर हरा चारा लगाते हैं पशुओं के लिए उसमें हर एक सीजन में विशेष तौर से वो एक या दो तरह की चारे वाली फसलें लगाते हैं एक तरह की फसल से ज़्यादातर पशुओं को तीन या चार तरह के पोषक तत्व मिलते हैं तो इस तरह से लंबे समय तक अगर पशुओं के शरीर में इन पोषक तत्वों की कमी होती है तो उत्पादन कम होने के साथ साथ पशुओं में बाँसपन की समस्या आती है बीमार पड़ने के ज़्यादा अवसर होते हैं तो इस वजह से ये बहुत आवश्यक है कि हम पशुओं को संतुलित आहार उपलब्ध करवाएं। जैसे मिर्ची फसल है इसके अंदर कम से कम लागत लग के बढ़िया मुनाफा मिले इसके लिए कुछ हमारे को अवगत कराएं सर अगर आपको फसल का चुनाव आपने कर लिया जो फसल की डिमांड मार्केट में ज़्यादा हो जिसको मार्केट में अच्छे भाव मिलते हैं पहले उस फसल का चुनाव करो फिर उस फसल को लगाने के समय का चुनाव करो फिर जब आपको समय का आपको चुनाव हो गया तो फिर आप ये सोच देखो कि इसके अंदर हम उसका टीकाकरण कर दें टीकाकरण करने के लिए जो हम देखते हैं कि मोटे रूप से जो बीमारियाँ होती है वो तीन कारणों से होती है एक तो उसके अंदर कोई भी कवक की वजह से या कीड़ों की वजह से या फिर प्राकृतिक जो अधिक तापमान ये इससे स्ट्रेस बोलते हैं ये इससे उत्पादन प्रभावित होता है तो फंजीसाइड से आप पहला चुनाव करें फिर उसी बीज को इंसेक्टिसाइड का दूसरा उसके ऊपर उपचारित करें और सबसे लास्ट में जैविक उपचारित करें जिससे कि कई पौधे जैसे दलहनी फसलें हैं जो सीधा वातावरण से नाइट्रोजन को लेके और पौधे को उपलब्ध कराती है तो ऐसे दलहनी जो फसल फसलें होती है उनके लिए जैविक बीजो बीजोपचार करके आप अपना लागत कम कर सकते हैं तीसरी जो बड़ी इंपॉर्टेंट चीज़ होती है कि आप ये देखो कि सरकार की जो अभी योजना चली है मृदा स्वास्थ्य कार्ड आप उस स्वास्थ्य कार्ड को देख के अपने जमीन का जिस खेत में आप वो फसल लगाने जा रहे हैं और उस खेत का जो खसरा नंबर का मर्दा स्वास्थ्य कार्ड आपके हाथ में हो और जिस तत्व की आपको जितनी जरूरत है उतनी ही मात्रा में उसका प्रयोग करें अनावश्यक प्रयोग करने से आपका खर्चा बढ़ जाएगा ऐसे आप अपना खर्चा कम कर लेंगे दूस तीसरी चीज़ ये होती है कि जिस फसल का जिस खेत में आप फसल लगाने जा रहे हैं उसका आपको उसकी हिस्ट्री उसका इतिहास याद रखो कि हर तीसरे साल उसके अंदर फसल बदलती रहे कोई भी फसल लगातार नहीं लगाएं जिससे कि उसमें रोग या किसी कीट और उसकी जो हर फसल एक विशेष प्रकार के तत्वों को लेती है लगातार आप उसी उसी फसल को लगाते जाओगे तो एक विशेष प्रकार के तत्वों की आपके खेत में कमी हो जाएगी और उससे आपका उत्पादन बहुत बुरी तरह से प्रभावित होगा और उसी चीज़ को आप अलग तरीके से फसल चक्र के सिद्धांत अपना के अगर आप लोगे तो बिना खर्चे के भी आपके अधिक उत्पादन आपको मिलता रहेगा पशुओं के अंदर फूट एंड माउथ डिजीज खुरपका और मुँह पका रोग के लिए किस समय टीकाकरण करना चाहिए ये एक विषाणु जनित बीमारी होती है और इस बीमारी के लिए अपने पास टीकाकरण उपलब्ध है जो र, आ, सरकार की तरफ से हमेशा एक अभियान चलाया जाता है जो एक महीने के लिए जितने भी पशु होते हैं उन सभी पशुओं में टीकाकरण किया जाता है ये अपने भारत में हर राज्य का एक उद्देश्य है एक भारत सरकार का एक ऐसा स्कीम चल रहा है जिसको एफ बोलते हैं इसको पूरी तरह से कंट्रोल करना है इरेडिकेट करना है इसलिए इसके लिए बहुत ही सघन अभियान चलाया जाता है और हर घर में जाकर के टीकाकरण कराया जाता है कुछ किसान भाइयों को मैं यहाँ पर सलाह देना चाहूँगा कुछ किसान भाई कई बार ऐसा बोलते हैं कि टीकाकरण करवाने के बाद उनके पशुओं का दूध सूख जाता है ये एकदम सही नहीं है इसमें क्या होता है जब भी टीकाकरण लगाया जाता है उसके पाँच से सात दिन तक दूध में थोड़ी सी गिरावट आ सकती है और इस बीमारी को अपने देश से ख़त्म करने में मदद करें मिलते हैं थोड़ी देर से के बाद में नींबू चाना की चौपाल पर दोबारा से। जानकारी जो किसानों के लिए हो लाभकारी समस्याओं पर पड़ेगा समाधान भारी कृषि की हर बात का ख्याल कब कैसे की जाए बेहतर देखभाल जानिए विशेषज्ञों के साथ देखिए खेत खलिहान सोमवार से शुक्रवार सुबह सात बजे डीडी किसान पर चौपाल चर्चा में पुनः आपका स्वागत है। कृषि अधिकारी वैसे तो हमेशा ही हमारे को मिलते रहते हैं हमारे को परामर्श देते रहते हैं समय समय पर हम जा के भी हेडक्वार्टर पर पूछ लेते हैं यहाँ गांव में भी घूमते रहते हैं इनका सराहनीय कार्य रहा जिस तरह से आज का जो परिवेश है उसमें कृषि के साथ साथ पशुपालन एक बहुत ही महत्वपूर्ण घटक है इसलिए उसमें ज़्यादा से ज़्यादा रोज़गार के चांसेस होने की वजह से सरकार भी इस पर काफ़ी ध्यान दे रही है तो इसके साथ ही साथ कई संस्थाएं हैं जो किसान भाइयों के लिए काम करती हैं नई नई तकनीकों से उन्हें जानकारी उपलब्ध करवाते हैं और उन सारी चीज़ों से वो आगे बढ़ सकते हैं कि ये बाँसुर क्लस्टर में आर योजना में बानसुर ए में ये हमारी एक कंपनी चल रही है जे, ए ए सी पी तो इसके अंदर सभी किसानों का डबल आय होने का क्या क्या फायदे होंगे ये कंपनी से हमारे किसान भाइयों को कितना कितना फ़ायदा होगा ये थोड़ा अवगत करवाएं देखिए सबसे बड़ी प्रसन्नता की बात है कि आर पी योजना एक विश्व बैंक द्वारा वित्त पोषित परियोजना है जिसमें यहाँ बानसूर के 36 गांव यहाँ चयन किए गए हैं जिसमें अभी कुछ ही किसान भाइयों को हमारे इस कृषि विभाग से इस परियोजना में प्रशिक्षण भी दिलवाया गया है जयपुर भेजकर इसमें जो हमारे एक कार्यरत इस योजना में अर्पण सेवा संस्थान के द्वारा एम ग्रुप्स बनाए गए हैं और उन्हीं किसानों में से हमारे यहाँ बानसूर पंचायत समिति में दो सेंटर्स बनाए जा रहे हैं एक नीमूचाणा में जहाँ हम प्रोग्राम कर रहे हैं यहीं एक हमारा इसका बनाने का प्रावधान है और एक मैणपुर ग्राम पंचायत में बनाने का प्रावधान है ताकि इस परियोजना में जो कृषक सम्मिलित हैं वो अपनी जिंस को अपनी जिन्स को उस सेंटर तक पहुंचाकर और उस सेंटर पे जो बाहर से व्यापारियों को यहाँ आंतरित किया जाएगा तो उस जिंस को यहीं वो अच्छी रेट में और उसमें सबसे महत्वपूर्ण बात यह है कि उसी कंपनी को चलाने में यहाँ जो इस परियोजना में जो काश्तगार सम्मिलित हैं उन ग्रुप्स में सम्मिलित हैं वो ही उसमें अध्यक्ष कोषाध्यक्ष सचिव सारे उन्हीं किसानों में से रहेंगे और अपनी जिन्स का जो भी उचित भाव निर्धारित करेंगे वो वो किसान ही कर पाएंगे ताकि उनको अपना उचित भाव निर्धारित कर और अच्छा मुनाफा वो प्राप्त कर सकें जो मशरूम की खेती होती है ना वो हम क्यों नहीं कर सकते पहाड़ी क्षेत्र में क्यों होती है यहाँ कौन सा क्लाइमेट सूट करेगा इसके बारे में थोड़ा जानना चाहूँ मशरूम एक ऐसा एक एक उद अपने उद्गम के रूप में विकसित होने वाला एक काम है जिसको आप अपना के या अपने क्षेत्र में बहुत अच्छे तरीके से कर सकते हैं क्योंकि आपको पता होगा कि अपना क्षेत्र में काफ़ी लंबी सर्दियां पड़ती हैं और सर्दी इसमें कम टेम्परेचर की जरूरत होती है जो कि हमारे को यह पूर्णता मिलता रहता है और हमारे जो मशरूम है ये मुख्यतः दो प्रजाति के रूप में हो जाए एक ढींगरी मशरूम बोलते हैं एक बटन मशरूम कहते हैं तो बटन मशरूम का जैसे मार्केट भाव थोड़ा वो दिखने में बटन जैसी होती है दिखने में ठीक दिखती है तो भाव अच्छे मिलते हैं और बट ढींगरी मशरूम होती है वो पौष्टिकता की दृष्टि से और स्वाद की दृष्टि से काफ़ी अच्छी होती है तो ये दोनों मशरूम आप आराम से यहाँ पर कर सकते हैं और हमारा कृषि विज्ञान केंद्र ने इसके ऊपर एक ट्रेनिंग प्रोग्राम भी किया था और उससे प्रेरित होकर कुछ किसानों ने अपने यहाँ पे मशरूम का उत्पादन भी चालू किया है ड्रिप सिस्टम कैसे लगाया जाए ड्रिप इरीगेशन लगवाने के लिए बूंद बूंद सिंचाई बोलते हैं हिंदी में इसको इसको लगाने के लिए जो सरकारी अनुदान मिलता है उसके लिए एक फार्मर के पास में किसान के पास में कम से कम जीरो पॉइंट फोर हेक्टेयर मीन्स पौनी दो बीघा इतनी ज़मीन होना आवश्यक है अगर उसको सर, सरकार के तरफ से अनुदान चाहिए तो और ड्रिप इरीगेशन के फ़ायदे काफ़ी हैं एक तो उसकी जो पैदावार है कोई भी फसल अपन लेते हैं मेनली सब्जी वाली या फल फल फ्रूट वाली सब्जियाँ मतलब सब्जी या फल पौधे लेते हैं तो इसमें जो पैदावार है वो ढाई गुना तक बढ़ा सकते हैं अपन सब्जियों की एक दूसरी बात यह है कि ड्रिप इरीगेशन में अपनी सबसे बड़ी समस्या है राजस्थान की राजस्थान में भी अलवर बहुत पानी का जो लेवल है वो बहुत कम है पानी की दिन प्रतिदिन कमी होती जा रही है तो ड्रिप इरीगेशन में अपन पिचहत्तर प्रतिशत तक पानी बचा सकते हैं और अपने प्रोडक्शन में उसका कोई फर्क नहीं पड़ेगा अपन प्रोडक्शन उससे दुगना ले सकते हैं जितना नॉर्मल से लेते हैं फ्लड इरीगेशन में करते हैं उससे भी ज़्यादा अपन प्रोडक्शन ले सकते हैं तो आर योजना के अंतर्गत मैं ड्रिप सिस्टम लगवाना चाहता हूँ इससे मेरे को क्या फ़ायदा होगा उसके बाद में आपको फ़ायदा लेने के लिए अगर आप ड्रिप संयंत्र स्थापित करवाना चाहते हैं तो ड्रिप संयंत्र के लिए जो भी आवश्यक जो ज़रूरी कागजात हैं पत्रावली के साथ आपको आवेदन करना होगा और उसमें आपको जैसे जमीनी कागजात आपको जमाबंदी लगानी होती है और लघु सीमांत प्रमाण पत्र लगाना होता है उसके साथ में कुछ एफिडेविट ऐसे लगाने होते हैं कि मैं इसको सदा उपयोग में लूँगा इर्द गिर्द नहीं करूँगा तो ऐसे आप एक फाइल बनाकर और उसमें अर्पण सेवा संस्थान या जो भी कृषि विभाग से संबंधित कार्मिक कृषि परिवेशक या सहायक कृषि अधिकारी के पास को जमा करवा सकते हैं उसके बाद में आपकी जैसे ही फाइल की पत्रावली की स्वीकृति निकलने के बाद में आपका जो भी सामान है वो कंपनी लेकर और आपके खेत स्थापित कर दिया जाएगा उसके उसके बाद में आपको उसके बारे में में आपको आपको बारे बारे उपयोग करने के बारे में भी पूर्णतः अच्छी तरह बताया जाएगा कि आप इस तरीके से उपयोग में लें आपको उसी के साथ में पहली बार में आपको अच्छी उन्नत किस्मों के बीज भी उपलब्ध करवाए जाएंगे कि में ये फूलों क्यों झड़ जाते हैं नींबू में फूल झड़ना कि जो प्रक्रिया है वो जैसे कई चीज़ों पर निर्भर करता है एक तो अपन में मतलब पौधे को अपने न्यूट्रिशन कितना दिया है एक अपन न्यूट्रिशन के अलावा उसको इरिगेशन कितनी दे रहे हैं सिंचाई कितना कर रहे हैं अगर फूल आते वक्त अपन ने सिंचाई कर दी उसमें तो फूल झड़ना स्वाभाविक है एक अपने जो माइक्रोन्यूट्रेंट्स की जो कमी होती है इसके कारण भी अपने फूल झड़ रहे हैं तीसरा इसका कारण हो सकता है कि आपने कौन सी वैरायटी है वैरायटी का सलेक्शन कैसा है वैरायटी वैसे नहीं कहाँ से लिए आपने एक सर्टिफाइड नर्सरी से ही पौधों का क्रैक करना चाहिए इसके अलावा अगर इन सारी चीज़ें आपने ठीक की हैं तो अपने को एक मार्केट में एक दवाई आती है प्लानोफिक्स उसका अपने स्प्रे भी कर सकते हैं फूल आते वक्त तो उसे फूल झड़ना बंद हो जाता है प्रानोफिक्स की जो मात्रा रखते हैं वो तीन से पाँच एम प्रति टंकी यानी सोलह लीटर पानी के साथ में तीन से चार एम ही डालते हैं जैसे भैंस की कई नस्लें होती हैं लेकिन परंपरागत जो नस्ल चली आ रही हैं पुरानी नस्लें जो आठ नौ किलो दूध से ज़्यादा दूध नहीं दे पाती हैं आज के महंगाई के ज़माने में इतने कम दूध में किसान किस तरह से अपना जीवन यापन कर पाएगा और किस तरह से पशुओं को पाल पालन कर पाएगा कम से कम पंद्रह बीस किलो दूध वाली दू भैंसें हों तो किसान को ज़्यादा फायदा होगा ये सबसे महत्वपूर्ण बात है कि अगर हम डेयरी व्यवसाय करना चाहते हैं तो सबसे पहले हमारा प्लान ये होना चाहिए कि जो पशु हम रखना चाहते हैं उसकी नस्ल क्या है क्योंकि अभी मैंने इससे पहले बताया था कि जो उत्पादन क्षमता होती है वो पशु की नस्ल के आधार पर निर्धारित होती है इसलिए अगर हम भैंसों की बात करें तो भैंस के केस में सबसे अच्छी जो नस्ल है वो मुरहा नस्ल है जिससे किसान भाइयों को अच्छा उत्पादन मिल सकता है और उसके दूध का अच्छा मूल्य भी मिल सकता है अगर हम गायों की बात करें तो इस केस में थोड़ा सा हमें जलवायु स्थान के बारे में सोचना पड़ता है क्योंकि गाय एक ऐसा पशु है जिसको वातावरण के तापमान को कंट्रोल करना थोड़ा सा मुश्किल होता है तो वो जिस क्षेत्र के लिए उपयुक्त होती हैं उसी क्षेत्र में आपको अच्छा उत्पादन दे सकती हैं अगर हम राजस्थान जलवायु क्षेत्र की बात करें तो यहाँ पर राठी गिर हरियाणा और थार परकर नसल की जो भी गायें हैं वो इस जलवायु क्षेत्र के लिए उपयुक्त हैं और इन पशुओं से किसान भाई अच्छा उत्पादन ले सकते हैं और उससे ज्यादा से ज्यादा मुनाफा कमा सकते हैं नीबू चाना की चौपाल चर्चा पुनः जारी रहेगी मिलते हैं थोड़ी देर में बीमारियों से कैसे बचेगी फसल की मुश्किलों का क्या है हल कहा से लाए बीज कितनी लगेगी खाद किसानों के हर फोन का विशेषज्ञ देंगे जवाब देखिए हेलो किसान लाइव सोमवार से शुक्रवार शाम छह बजे पुनः आप सभी का नीबू चाना की चौपाल चर्चा में स्वागत है भाई दो चार पर्सन में पूछना चाहता हूँ तो उनका निवारण करवाएं और किसानों से रूबरू होकर के मिलते रहें तो मेरे पशुपालन अधिकारी महोदय से ये निवेदन है कि कम से कम महीने में एक बार गांव में आएं और गांव में आकर के किसानों को बताएं कि किसानों को कैसे उन्नत नस्ल पशुओं की जो नई नई आ रही प्रजातियां वो किस तरह से गांव में किसानों तक पहुंचाई जाएँ जब हम दूध के उत्पादन की बात करते हैं तो उसमें ये सबसे बड़ी चीज़ होती है कि उत्पादन के साथ साथ पशु के दूध में जो फैट की मात्रा होती है जो वसा की मात्रा होती है वो कितनी है क्योंकि हमें जो मूल्य मिलता है दूध का वो वसा के आधार पर मिलता है तो इसलिए अगर आप सभी लोग अच्छे नस्ल के मुरह पशु को रखते हैं तो उससे आपको एवरेज औसतन 14 से 15 लीटर प्रतिदिन दूध भी मिल सकता है और साथ ही साथ उसमें फ़ैट की मात्रा 7 से 8 प्रतिशत होती है तो कुल मिलाकर जो उसके दूध का मूल्य होगा वो आप लोगों के लिए काफ़ी लाभदायक होगा गायें हैं जो बिल्कुल अनुपयोगी साबित हो रही हैं हमारे देश में और कुछ भी इससे उपयोग ना समझ करके आवारा गाय घूमने के लिए मजबूर हो रही हैं और किसानों को ये किसानों की फसलों को भी बर्बाद कर रही हैं इन गायों को किस तरह से हम इनका पालन किया करें जिससे कि ये लाभ का कोई सौदा साबित हो देखिए ये पशु जो है ये हमारे गांव के ही हैं और ये समस्या भी हमने खड़ी करी है तो इसका निदान भी हमारे पास ही है हमारे गांव नीमूचाना में कुछ साल पहले तक आवारा गाय बहुत ज़्यादा आती थी यहाँ पर आवारा पशु बहुत ज़्यादा थे ग्रामीणों ने हमने बैठ के एक मीटिंग की आपस में कि भाई हमें काम कैसे करना है इन आवारा पशुओं पर काम कैसे करना है तो गाँव वालों ने बताया कि भाई हम एक गौशाला खोलते हैं गौशाला खोल कर हम काम करना शुरू करेंगे तो भाई गौशाला कैसे करेंगे गौशाला के लिए जगह चाहिए हमको पैसा चाहिए फंड चाहिए फंड कहाँ से आएगा ग्रामीणों ने सबने इकट्ठा करके पैसा खुद खुद का पैसा इकट्ठा किया और एक गौशाला का निर्माण किया छोटी सी बाढ़ लगा दी बाढ़ लगा के वहाँ पे बैठ के बैठ के चलो भाई हम यहाँ से शुरू करेंगे दस बीस पचास गायों को इकट्ठा किया गोबर इकट्ठा करने लगे उनका गोबर इकट्ठा करके गोबर पहले तो हम वैसे बेचते थे भाई रूढ़ी बेच दी भाई वो मैं क्या सात सौ रुपये रूढ़ी का आठ सौ रुपये रूढ़ी का मिल जाता हमारे धीरे धीरे गाँव वालों ने किया गया भाई हम इसका केंचवा खाद बनाएंगे भाई खाद बना के हम इसको बेचो तो कैसा रहेगा ये जैविक खाद जिस कहते हैं केचुआ खाद कहते हैं गांव वालों की मदद से हमने केचुआ खाद पे काम करना शुरू किया डॉक्टर साहब आज हम बहुत सा खाद बना रहे हैं जो हम यहाँ से बाहर भेजने के चक्कर में है कि भाई हम यहाँ से बाहर भेजें किसी को अगर किसी को चाहिए तो हम यहाँ से दे सकते हैं कि यहाँ के सरपंच महोदय ने यहाँ के वार्ड पंच ने या अन्य जनप्रतिनिधियों ने मिलकर के गाँव के लोगों को बैठा करके और एक ऐसी रणनीति बनाई और आवारा पशु जैसे गाय उसमें घूमती थी तो उनका एक केंद्र के ऊपर उनको ऐसा निर्माण किया कि जहाँ पे उन जानवरों को इकट्ठा किया जाए उनके लिए चारा पानी की व्यवस्था जा, की जाए और उनको सबको वहाँ पे एक सीमा के अंदर बांध दिया जाए ताकि वो बाहर नहीं में और फसलों को नुकसान नहीं पहुँचाए तो बहुत अच्छा काम किया है ग्राम पंचायत नीबू चाणा ने पूरे पूरे गाँव का इसमें सहयोग है पूरे गाँव का इसमें चंदा चंदा पैसा लगा है और ये लोग उससे उत्पादन भी कर रहे हैं कि उसके खाद का निर्माण कर रहे हैं तो उससे भी लाभान्वित हो रहे हैं गाँव के किसानों को वो जैविक खाद मिल पा रहा है ये बाहर भी उस, उस खाद को भेजेंगे तो उससे भी एम्प्लॉयमेंट जनरेट होगा रोजगार के साधन तो मैम हम खुद भी पूछने के चक्कर में है कि डॉक्टर साहब आए हुए यहाँ पर हमारा खुद का क्वेश्चन है यहाँ पर रोजगार की पंचायती तरफ से बात करते हैं हम रोजगार की तो हमारे पास में राष्ट्रीय रोजगार गारंटी कार्यक्रम है इसमें हमारे पास प्रावधान ये है कि हम एक आदमी जो रोजगार चाह रहा है उसको हम वर्ष में एक बार हम सौ दिन का रोजगार उपलब्ध करवाते हैं ये पंचायत की तरफ से ही पंचायत की तरफ से पचपन पैसा जो काम है वो पंचायत की तरफ से होता है पैंतालीस पैसा काम होता है अदर विभागों की तरफ से होता है दूसरे डिपार्टमेंट हैं वो भी करते हैं राष्ट्रीय रोजगार गारंटी कार्यक्रम तो वो हमारा रोजगार का ही जो है ये उसके अलावा हमारे ग्राम पंचायत नेबू चाणा ने सेल्फ हेल्प ग्रुप काफ़ी बनाए और महिलाओं को आज स्वावलंबी बनाने के लिए उन्होंने बैंक से फंडिंग करवाया है या आपस में पैसा इकट्ठा करते हैं दूध का या जो भी है डेयरी प्रोडक्ट्स का काम करते हैं और अपना वो खर्चा चलाते हैं हमें ये बताएं कि जो उन्नत गेहूं की कौन सी उन्नत नस्ल है जो सब वो प्रजाति है जो सबसे ज़्यादा फसल के उत्पादन में ज़्यादा उत्पादन दे सकती है तो देखो गेहूं की जो किस्म है उसका सिलेक्शन बहुत ज़रूरी है क्योंकि गेहूं की जो किस्म है पाँच हजारों की संख्या में है उसमें से आपको कौन सी चाहिए अपने एरिए में कौन सी सूटेबल है अपने संभाग में कौन सी सूटेबल है उन वेरायटियों के बारे में मैं आपको बता रहा हूँ जो अपनी जो वैरायटी है अगर आपको प्रॉपर टाइम से सोइंग करनी है तो उसके लिए जो एस डी तीस छियासी वेरायटी है एक एस डी घन्तीस सड़सठ है पी वी डब्ल्यू तीन सौ तैंतालीस है और आपको अगर लेट सोइंग करनी है तो लेट सोइंग के लिए अपनी जो वेरायटियाँ हैं राज इकतालीस बीस है एक चार हज़ार सै राज चार हज़ार सैंतीस है जैसी मिर्ची फसल है इसके अंदर कम से कम लागत लग के बढ़िया मुनाफा मिले इसके लिए कुछ हमारे अवगत कराएं सर कुछ ऐसी चीज़ें होती है जिनको करने में कोई खर्चा नहीं होता है लेकिन उसका फ़ायदा बड़ा होता है जैसे समय पर बुआई अगर आप किसी भी फ़सल को उसके समय से आगे या पीछे लगाएंगे तो उसमें हंड्रेड उसकी पैदावार कम होगी इसलिए मैं तो मैं किसान भाइयों से हमेशा निवेदन करूंगा चाहे आप जवार लगाएं चाहे आप बाजरा लगाएं चाहे आप कोई भी दाल वाली फसल लगाएं या आप सरसों लगाएं गेहूं लगाएं तो उनको समय पे लगाएं। दूसरा बड़ा खर्चा जो होता है हम देखने को मिलता है कि रोगों पे या उसके अंदर कोई ऐसे कीड़े लगते हैं उनके प्रतिबंधन के अंदर बहुत ज़्यादा खर्चा होता है कि कोई भी फसल लगाएं एक अपने ये चीज़ ध्यान में रखो कि जो एफ आई आर एक शब्द होता है एफ आई आर है ना उससे याद रखो कि एफ फोर फंजिसाइड आई फोर इंसेक्टिसाइड और आर फोर राइबूजियम तो इसको फंजीसाइड कुछ जो अपने रोग होते हैं ना वो फंगस से होते हैं कवक बोलते हैं ना जिसको उससे होते हैं कुछ समस्याएं कीड़ों की होती है और कुछ समस्याएं अपने जैसे वायुमंडल के अंदर जो नाइट्रोजन है वो प्रचुर मात्रा के अंदर नाइट्रोजन है वो पौधा डायरेक्ट नहीं ले पाता लेकिन साथ ही साथ प्रकृति में ऐसे जीवाणु हैं मैं ये पूछना चाहता हूँ जैसे मिर्च बताऊ और टमाटर इनकी ज़्यादातर मैं बाड़ी लगाता हूँ तो इनकी ज़्यादा से ज़्यादा मुझे जानकारी चाहिए अगर इनकी सब्ज़ियों की खेती करना चाहते हैं तो सबसे पहले बीज का चुनाव एक अच्छी अपने को किस्म का ही चुनाव करना चाहिए ताकि एक अच्छी किस्म का चुनाव करने से 50 प्रतिशत काम तो अपना हो ही जाता है मान लीजिए अगर अच्छी किस्म का चयन कर लेते हैं तो और अभी किस्मों की बात करते हैं तो सबसे पहले अपन करते हैं मिर्ची की बात करते हैं कैप्सिकम तो देखिए मिर्ची में यहाँ की अपने अकॉर्डिंग जलवायु के अनुसार मीनम चौहत्तर और इंडस इंडस्तेरा यहाँ किसान भाई ले भी चुके हैं उसका उत्पादन और बहुत ही अच्छा उसका उत्पादन है और अच्छी रहती है यहाँ अपनी जलवायु में सूटेबल है और अगर ब्रेंजल की बात करते हैं तो पूसा पर्पल क्लस्टर और पूसा पर्पल रोंग ये दो किस्में हैं बहुत ही अच्छी किस्में हैं तो इन सबसे पहले तो अपने को बीज का चुनाव अच्छी प्रकार से कर कर और इनकी पौध तैयार करें तब पौध तैयार देखिए आजकल अपने को पॉइट नर्सरी आती नर्सरी ट्रे आती हैं उनमें करनी चाहिए एक अच्छी प्रकार का उसमें मिश्रण होता है कोकोपिट पर लाइट वर्मिकुलाइट का मिश्रण उसमें अपन डालकर और उसमें अपन बीज लगाते हैं तो उसमें जब अपन बीज लगाने के बाद में ये ध्यान ये रखते हैं कि समय समय पर उसमें हल्की सिंचाई करें और उसको जैसे बाहर अधिक सर्दी है तो उसको अंदर रख दें और समय समय पर उनको प्रकाश की आवश्यकता होती है उनको तो उनको भार भी रख सके और प्रकाश की पूर्ति भी हो जाए शायद पूरे देश में ही कुछ ऐसा ही आजकल समन्वय का कार्य अधिकारी और किसानों के बीच में चल रहा होगा इसी के तहत मेरे गांव में भी ऐसा हो रहा है ऐसा मैं मानता हूं कि सरकार और कर्मचारी और किसान सब कंधे से कंधा मिला करके देश के देश की उन्नति के लिए कार्य कर रहे हैं ऐसे ही कार्य करते रहें तो देश में उन्नति होगी अगले अंक में किसी अन्य गांव में सुझावों और समस्याओं के समाधान के साथ आपके सामने हाजिर होंगे तब तक के लिए नमस्कार